और चलिए आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ इस वक्त की 50 बड़ी खबर। रामनवमी में हुई हिंसा के बाद भी बिहार के सासाराम इंटरनेट सेवा बंद, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, डीजीपी आरएस भट्टी ने हालात का लिया जायजा। गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एडवाइजरी जारी की, एडवाइजरी में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। पद्म पुरस्कार विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, विजेताओं को दी बधाई। शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, मुझे लगा बीजेपी सरकार में पद्म सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरे ख्याल को गलत साबित कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। G20 सम्मेलन को लेकर काशी में तैयारियां लगभग पूरी, अब QR कोड बताएगा काशी में मंदिरों का इतिहास। दिल्ली के उस्मानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो आया सामने, करीब 35 से 40 राउंड फायरिंग की गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। केरल पुलिस ने वेल्ला राम कुन्नू मरियम्मन देवी मंदिर परिसर में बांधे भगवा झंडे को उतारा, भक्तों में नाराजगी। मेरठ में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट और पथराव, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, दोनों पक्षों के साथ लोग हुए घायल, पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। हाथरस में पूर्व प्रधान की जूतों से पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, पूर्व प्रधान ने दबंग के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के बाल्टीमोर में जंगल में लगी भीषण आग, आग बुझाने में दमकल की करीब 8 गाड़ियां जुटी हुई हैं। महाराजगंज में ट्रेन के ऊपर चढ़े शख्स पर गिरे हाईटेंशन तार, युवक की हालत गंभीर, करीब 80% झुलसा युवक। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दो गुटों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, दो पुलिसकर्मी हुए घायल। कन्नौज में शराब के ठेके पर निकला महिलाओं का गुस्सा, दुकानों में की तोड़फोड़। मुंबई के कांदिवली में प्ले स्कूल में बच्चों की पिटाई का मामला आया सामने, दो शिक्षकों पर किया गया मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में बेकाबू ई रिक्शा ने महिला को कुछ दूर तक घसीटा, महिला गंभीर रूप से हुई घायल। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर तीखा सवाल, तेजस्वी यादव कौन से बाजीगरी या डिग्री हासिल की है जिससे चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने के लिए पैसा आ रहा है। भारत के दौरे पर दक्षिण सूडान का संसदीय दल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। लखनऊ में युवक का कार से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल, सफारी गाड़ी के ऊपर बैठकर स्टंट करता नजर आया युवक। मुंबई में एटीएम से छेड़छाड़ कर लूट करने वाले दो आरोपियों को सीसीटीवी की मदद से किया गया गिरफ्तार। उन्नाव में एक वकील ने जूनियर वकील को पीटा, फरियादियों की मौजूदगी में जूतों से पिटाई की गई, सदर कोतवाली क्षेत्र में उन्नाव कचहरी का मामला। जालंधर में आवारा कुत्तों ने किया बाइक सवार पर अटैक, झुंड में आए कुत्तों के आतंक का वीडियो वायरल। उज्जैन के चिंतामन में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में भिड़ी, 8 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत। बुलंदशहर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, टोलकर्मियों के साथ मारपीट, घटना कैमरे में हुई कैद। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहा है अमोनिया, लोगों के लिए बना जान का खतरा, केजरीवाल सरकार पर भड़का लोगों का गुस्सा। बटिंडा के गोनियाना रोड पर नजदीक स्कूल वैन और टैंकर में लग हुई टक्कर, 11 स्कूली बच्चे हुए घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड युवा कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन, राज्य के सभी टोल प्लाजा पर लगाया गया जाम। धनबाद में मंदिर में पूजा के दौरान महिला की चेन हुई चोरी, दो महिलाओं ने बड़ी चालाकी से दिया घटना को अंजाम, चोरी की तस्वीर भी हुई कैमरे में कैद। पुलिस हिरासत में भागे दोनों आतंकी 15 घंटे के बाद गिरफ्तार, आज सुबह बारामूला से पुलिस हिरासत में हुए थे फरार, आपको बता दें पिछले साल शराब की दुकान पर ग्रेनेड से किया था हमला। बर्फबारी से गुलजार हुआ गुलमर्ग, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे सैलानी। ईडी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ विपक्ष की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बन सकते, अनुराग ठाकुर बोले भ्रष्टाचार पर कांग्रेस हुई एक्सपोज। हनुमान जन्मोत्सव पर कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ममता सरकार का बड़ा फैसला, आज कोलकाता चंदन नगर और बैरकपुर में केंद्रीय बलों की होगी तैनाती, दंगाइयों पर होगा कड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी का मार्च, हुगली में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का मार्च, बीजेपी सांसद
लॉकेट चटर्जी भी रही मौजूद। हनुमान जन्म उत्सव को देखते हुए पूरे जहांगीरपुरी में पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश, धारा 144 वाले इलाकों से ना निकालें यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव जुलूस में सुरक्षा दुरुस्त हो, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी तैनाती हो। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिलेश यादव को सौंपा सम्मान, इस साल 106 लोगों को मिला था पद्म पुरस्कार। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल कवी ने किया सरेंडर, 18 साल से चल रहा था फरार, अतीक के शूटर ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, मेल के जरिए दी गई जान से मारने की धमकी, नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सीएम योगी ने 11 विभागों में चयनित 795 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 2017 के पहले चयन आयोगों पर उठाते थे सवाल, युवाओं को करना पड़ता था आंदोलन। सीएम योगी ने ऋषि सिंह से की मुलाकात, इंडियन आइडल 13 के विजेता है ऋषि सिंह, ऋषि के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। यूपी में 12th की सिलेबस से मुगल इतिहास हटाया गया, मुगल इतिहास से जुड़े हुए चैप्टर्स को हटाया, 11वीं की सिलेबस में भी कुछ चैप्टर्स हटाए गए, एनसीईआरटी ने सिलेबस से चैप्टर हटाने पर सफाई दी, बच्चों पर बोझ कम करने के लिए दोहराव वाली चीजों को हटाया। 46 साल के बाद भी न्याय नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण, बरेली कोर्ट में नगर आयुक्त की गाड़ी को कुर्क करने का दिया आदेश, साल 1977 में रामवती की दुकान पर नगर महापालिका ने 1440 रुपए का टैक्स लगाया था, इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है। बिहार में अब कोर्ट बताएगा कौन किस जाति का, नंबरों से होगा ब्राह्मण, राजपूत और यादव की पहचान, जातियों के लिए कोर्ट तय। नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, जानबूझकर कराई गई हिंसा, नीतीश कुमार बोले सोची समझी साजिश। बिहार में अब हिंसा के बाद शांति का माहौल, नालंदा सासाराम में खुलेंगे स्कूल, हिंसक झड़प के बाद बंद किए गए थे स्कूल, अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा प्रभावित। बिहार हिंसा में पुलिस का एक्शन लगातार जारी, बिहार हिंसा में अब तक 180 उपद्रवी गिरफ्तार। बिहार में हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी, राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के इशारे पर हुए हिंसात्मक दंगे।